everybody, welcome back to my channel. This is me, it's Aisha Online with another video. Guys, today's video is very much clear from the title that I'm making a bridal kit video. Okay, so let's talk about what is this bridal kit actually. So bridal kit, obviously shadi season is close. This bridal kit जो मैं products आपको recommend करूँगी ये उन brides के लिए हैं जो bride to be हैं जिनकी शादियाँ आ रही हैं in coming months, November, December, January, February. These months are full of weddings and I thought of doing this video and recommend you the best products which a bride should have in her bridal kit shaadi ke liye. She should get her hands on these products so that unke liye easy ho ki kya kya products lene chahiye unko apni kit mein dalne ke liye. So I'm sure this video is going to be very very helpful to all the brides जिनकी शादी आ रही है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कमेंड दिस बॉक्स फॉर यू ऑल. दिस बॉक्स आई गॉट फ्रॉम सादिया कॉस्मेटिक्स. आई लिंक हर पेज डाउन बिलो. आई गॉट दिस फॉर ₹3500. अगर आपकी शादी आने वाली है इन द कमिंग मंथ्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड वैनिटी बॉक्स, एक ब्यूटी बॉक्स जिसमें आप अपना मेकअप स्टोर कर सको, आई रिकमेंड यू टू गेट दिस वन. दिस इज वेरी वेरी नाइस और उसमें सारे मेकअप प्रोडक्ट्स पूरे आ जाते हैं. आई विल शो यू हाउ दिस लुक्स लाइक फ्रॉम द इनसाइड. आप देख सकते हो अंदर से कैसा लगता है. इट हैज लाइक थ्री सेक्शंस, एक साइड पे, दूसरी साइड पे भी थ्री सेक्शंस हैं एंड इट इज सिक्योर्ड विद अ लॉक. लॉक भी हो जाता है बॉक्स, सो इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट और इट्स वेरी स्पेसी. मेरा सारा मेकअप जो मैं ट्रैवल करके साथ लेके जाती हूँ अपने कहीं भी, फॉर शूट्स, फॉर अपॉइंटमेंट्स या मेरी मेकअप क्लासेस में भी, आई स्टोर ऑल ऑफ माई मेकअप इसके अंदर ही. इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड हेल्पफुल एंड इट स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ माई मेकअप. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट. सो पहले मैं बात करूंगी स्किन केयर की. अब ऑब्वियसली स्किन केयर में बहुत कुछ आता है, मैं सारा कुछ बताने दी बिकॉज दिस ब्राइडल मेकअप किट इज ओनली फोकसिंग ऑन द मेकअप आर्ट. लेकिन आई एम गोना रिकमेंड यू टू आइटम्स जो आप ले सकते हो इफ यू आर ब्राइड. मॉइस्चराइजर्स में आप लोगों को दो रिकमेंड करूंगी और दो कुछ सीरम्स आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी. सो टू मॉइस्चराइजर्स विच अ ब्राइड शुड हैव इन अ ब्राइडल किट. फिजियोजेल का डेली मॉइस्चर a very good moisturizer. It's good for dry skin as well as oily skin. मेरी oily से combination skin है, ये है recommended dry skin के लिए, but I use it तो it doesn't make any difference. It perfectly suits my skin type as well. दूसरी चीज है Vaseline का आता है intensive care. इसके सारे ही अच्छे हैं Vaseline के, all of the range. Pink में भी आता है, green में भी आता है for different uses. This is for deep restore intensive care. तो I like to use this for you know cleansing या कुछ भी. तो I think these are my go to moisturizers when I have to like moisturize my face. I always opt for one of these. Let's talk about serums. So 24K cold serums in every serum. This is a new like kind of a game changer in the makeup or beauty industry. आजकल ये लाजमी है कि आपके मेकअप स्टाश में ये सीरम्स हों. तो ब्राइड को जो ग्लो चाहिए, दे डेफिनेटली नीड दैट ग्लो ऑन देयर फेस. सो वी डेफिनेटली वांट कि उनके ब्राइडल मेकअप किट में कुछ सीरम्स हों टू मेक मेंटेन दैट ग्लो. मैं बहुत ज़्यादा सीरम्स की फ़ैन हूँ तो आई एम गोना रिकमेंड यू दीज फोर सीरम्स. तो पहले मैं बात करूँगी ब्यूटी फाइव एमना के सीरम की. दिस बिकॉज इसका जो ग्लो आपकी स्किन पे आता है वो शायद मैंने किसी 24K गोल्ड सीरम का नहीं देखा. सो आई रिकमेंड ऑल ऑफ माई गर्ल्स जिनकी ड्राई स्किन है, जिनकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है. कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है लेकिन ऑयली स्किन के लिए इट्स नॉट दी बेस्ट. सो या स्किन पे आ जाते हैं. आई यूज दिस आईज ब्यूटी स्पार्क का आता है सिल्वर सीरम. गोल्ड सीरम बहुत ज्यादा हो गया है, लेट्स नाउ टॉक अबाउट सिल्वर सीरम्स. सिल्वर सीरम आता है और दिस इज वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन. सीरम विच आई हाईली रिकमेंड इज दिस ग्लो सीरम बाय लिज़म ब्यूटी. इसका भी सीरम बहुत अच्छा है, इट गिव्स यू अ वेरी फ्रेश लुकिंग ग्लो. आप लोग ये भी ले सकते हो. दो प्रोडक्ट्स का तो मेरे पास डिस्काउंट कोड भी है, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोगों को डिस्काउंटेड रेट्स में ये प्रोडक्ट्स मिल जाएं. फोर्थ वन आई हैव इज द होली ग्रेल एलिक्सर बाय सैफ्रॉन. दिस इज अमेजिंग गाइस, दिस इज सो गुड, लाइक दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल सीरम्स आउट देयर. नाउ गाइस मूविंग ऑन टू द प्राइमर्स, द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट स्टार्ट्स नाउ. सो फॉर द प्राइमर आई हाईली रिकमेंड द ब्यूटीफाई बाय आमना वाला प्राइमर, परफेक्ट प्राइमर. दिस स्टफ इज अमेजिंग, लाइक दिस प्राइमर जब से मैंने यूज किया है आई हार्डली यूज एनी अदर प्राइमर. दिस इज सो गुड. ऑल्सो मेरा
मेरा डिस्काउंट कोड है अगर आप दोनों ये दोनों प्रोडक्ट्स बाय करते हो सीरम और परफेक्ट प्राइमर तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ फ्री गुडीज विद योर परचेज. उसके बाद आई लाइक दिस रिवाज यूके का प्राइमर. दिस प्राइमर इज रियली गुड गाइज. इट रियली रियली कवर्स द पोर्स और ब्लैमिशेज. मतलब इसका सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा इफेक्ट कि इसको ग्लाइड ऑन करने से योर फाउंडेशन ग्लाइड्स ऑन वेरी नाइसली. लाइक इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट. तो गाइज करेक्टर्स पे आते हैं. अब करेक्टर्स के लिए आई रिकमेंड टू करेक्टर्स जो मैं हमेशा सबको रिकमेंड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी अपने फॉलोअर्स को भी. माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज द एले गर्ल प्रो कंसील ऑरेंज करेक्टर. सेकेंड थिंग आई यूज इज दिस ग्लैमरस फेस की टीवी पेंट स्टिक. इट्स इन द शेड ओरिएंटल. आई यूज दिस फॉर माई करेक्टर. देखो मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा नहीं है तो आई यूज दिस. बर्न ऑरेंज काइंड ऑफ अ करेक्टर सो यू कैन यूज दिस करेक्टर. यू हैव लाइक लेस डार्क सर्कल्स. बहुत ज्यादा नहीं है देन यूज दिस वन. मेरा फेवरेट पार्ट फाउंडेशन. ओके मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा के तीन फाउंडेशन सेलेक्ट किए हैं विच आई थिंक आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बेस्ट फॉर ब्राइड्स. मतलब शादियों के बाद उस हिसाब से मैंने सेलेक्ट की हैं जिस तरह के आप लोग मेकअप वेयर करते हो राइट आफ्टर मैरिज. मेरी प्रेफरेंस मेरी होगी मसरत मिसबा की सिल्क फाउंडेशन. दिस इज गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर ब्राइड्स. इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है. वेरी वेरी स्मूथ फिनिश. तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज माय फेवरेट सिल्क फाउंडेशन बाय MM. दूसरी चीज इज दिस क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक. आई थिंक ब्राइड्स के लिए बहुत अच्छी है. मैं फाउंडेशन मैंने लिक्विड वाली भी बताई है स्टिक वाली भी आई थॉट आई वुड शेयर. माय फेवरेट स्टिक फाउंडेशन सो फार इज द क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक. दिस हैज एन अमेजिंग फॉर्मूला अगर तरीके से लगाना आता हो तो आई थिंक दिस स्टिक इज द बेस्ट वन आउट देयर. थर्ड प्रेफरेंस इज दिस मेबेलिन की 24 आवर्स सुपर स्टे फाउंडेशन. अभी ये थोड़ी मीडियम टू फुल कवरेज है. लाइक इट्स बिल्डेबल. आप इसको जितना कम लगाओगे उतनी लगेगी. जितना ज्यादा लगाओगे उसकी कवरेज उतनी बढ़ेगी. तो एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन भी होनी चाहिए आपके ब्राइडल किट में. मूविंग ऑन टू कंसीलर्स. सो माई मोस्ट फेवरेट 3 कंसीलर्स जो आई वुड रिकमेंड कि यू शुड हैव इन योर ब्राइडल किट जो मैं भी पर्सनली डालूंगी अपनी ब्राइडल किट में वो है. पहला तो है कंसीलर डिफाइंड बाय मेकअप रेवोल्यूशन फुलेस्ट कवरेज कंसीलर एवर. अगर आपको फुल कवरेज अपने डार्क से अच्छे तरीके से छुपाने हैं यू शुड गेट दिस कंसीलर. देन आई हैव इज दिस इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर बाय मेबेलिन माई सेकेंड फेवरेट. ये भी फुल कवरेज है लेकिन उस तरह से फुल कवरेज नहीं है जैसे कंसीलर डिवाइन है. Then third option we have is this my favorite, my most like medium coverage wala concealer which is very very thin in texture. This is Fit Me Concealer by Maybelline. You should get this if you want like light see coverage under your eyes. Then I would recommend you to get this. So these are my 3 most favorite concealers. अच्छा जो मैं products दिखा रही हूँ उसमें से आप 1 या 2 product लेना. Like हर चीज़ का एक एक product मत लो. You at least should have 2 products, 2 foundations, 2 concealers, 2 primers. You know what I mean? दो दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए alternate ताकि आप करके use कर सको. Setting sprays में I have 3 options. आप लोग लॉकेट ऑल डे ग्लैम गर्ल का भी ले सकते हो. वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन. सस्ता है बहुत ज़्यादा. लाइक अराउंड 800 आई थिंक इसकी प्राइस है. दिस इज वेरी गुड. उसके बाद आई यूज दिस आर डे क्यू का 3-in-1 मेकअप फिक्सिंग स्प्रे. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. आई लव टू यूज इट. इट गिव्स मी अ वेरी नाइस फिनिश. थर्ड मेरे पास है एक और अफोर्डेबल ऑप्शन. ये है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस नेचुरल फिनिश. ये 3 setting sprays हैं जो मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को कि आप इनमें से कोई 2 ले लो या 1 ले लो. वट एवर यू आर ईजी विथ. अब गाइस बारी है सेटिंग पाउडर्स और कम्पैक्ट पाउडर्स की. कम्पैक्ट पाउडर्स माई 2 most favorite आई थिंक जो आपके पास होनी चाहिए आपकी कलेक्शन में. इन दोनों में से कोई 1 भी ले लो तो आई थिंक वुड वर्क परफेक्ट. पहला है दिस ग्लैम गर्ल का आता है ये लूज सेटिंग पाउडर. माई मोस्ट फेवरेट करंट फेवरेट कह लो आजकल है ये वाला लूज सेटिंग पाउडर. आई लव टू बेक माई फेस विद द हेल्प ऑफ दिस. फेवरेट इज क्रायलॉन का ये वाला आता है और ट्रांसलूसेंट पाउडर. दिस इज अमेजिंग. और ये इतना सॉफ्ट है इतना पतला इसका मटीरियल है. लाइक इट अप्लाइज ऑन योर फेस एंड ग्लाइड्स ऑन और आराम से ऑब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर विदाउट लुकिंग केकी और एनीथिंग. तो ये 2 favorite मेरे पाउडर्स हैं जो आपके किट में से आप कोई 1 सा ले लो. फिर कम्पैक्ट पाउडर्स की तरफ आते हैं. मेरा फेवरेट अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो काफी देर से तो यू शुड नो दिस दैट आई लव रिमल स्टे मैट पाउडर. बिकॉज आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन तो दिस सूट्स मी परफेक्टली. दूसरी ऑप्शन फॉर ड्राई स्किन पीपल आई वुड रिकमेंड इज दिस आर्ट डेको का पाउडर आता है. दिस इज वेरी गुड एंड इट्स वेरी वेरी सिल्की एंड स्मूथ इन टेक्सचर. सो यू कैन गेट दिस वन एज वेल. मूव ऑन टू कॉन्टोर प्रोडक्ट्स नाउ. सो अगर आप क्रीम कॉन्टोर में इंटरेस्टेड हो देन गेट अ स्टिक. दिस इज बाय द ब्रांड फोक्युलर. उनकी ये स्टिक आती है. दिस इज फॉर ₹850. यू कैन गेट दिस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रीम कॉन्टोर.
powder contour mein we have a very affordable option which I love. My personal favorite is this Christine Key contour kit. Finished most of it. I love this option. My second favorite is this Art Deco Key Most Wanted contour palette. This one is my favorite one. After Christine, like agar aapko ek aur chahiye around 3000 ki hai. Agar aapko isme teen shades of contour chahiye, ek highlighter chahiye, ek blush chahiye, to aap log ye wala bhi le sakte hain. I'm moving on to blush ons. So main aapko recommend karungi LA Colors ki palette aati hai, So Cheeky palette, blush and highlight palette. Isme aapko milta ye hai ki you get like four different shades of blush ons or two highlighters. So this is a perfect palette and है भी reasonable around 1500 या 1600 की आती है ये. तो उसमें आपको पूरा package मिल जाता है. बाकी दो blush ons I recommend is this Essence का Silky Touch blush on. My favorite blush on. Essence के blush ons are the best. उसके बाद I love Luscious के blush ons. उनका powder blush on. These are really good. I would say कि blush ons पे you don't have to invest so much. कोई reasonable से दो blush ons ले लो आप अपनी skin tone के मुताबिक and you're good to go. Now moving on to highlight. Highlighters के लिए I'm recommending you three types different highlighters हैं. इनमें से आपको एक भी ले सकते हो whatever your pocket allows you. पहला है ये Master Chrome highlighter by Maybelline. This has a very nice kind of a glow. ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है. Like intense नहीं है, ठीक है ये highlighter, like it's not too much intense. तो अगर आप लोगों को normal kind of intensity में highlighter चाहिए, then you can go for this one. इसके बाद एक और affordable option is this one. This is the Light Me Up 7 Cool का highlighter, which is so good. You can get this one as well. This is not glittery or chunky. बहुत smooth application है इसकी भी. तो I recommend you के ले लो. It's only for like 300 rupees. Third option is my most trusty Lime Luminizer. आप लोग देख लो कि मैंने ये भी खत्म कर दिया हुआ है almost. This is also very nice if you have like budget. तो आप अगर 2 से 3 हज़ार के बीच में एक highlighter लेना चाहते हो, then you can get this one. Also I recommend you Ofra Cosmetics के highlighters. They are also very good. बात करते हैं mascaras की. मेरी two most favorite mascaras जिसके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है. And I always repurchase these mascaras. Like these are the best ones out there. The first option is the Maxi Lash Mascara by Diana of London. My favorite one. Get this one, guys. This is for ₹1150. लेकिन it's worth buying. Worth buying. Second option we have is this Lash Sensational Mascara by Maybelline. This is also my favorite. So these mascaras are my favorite. Also you can get Essence Cosmetics ke mascaras. Unke bhi bahut acche hote hain. Next up we have eyeliners. Well I would recommend ke aap ke paas ek liquid liner hona chahiye aur aapke paas ek gel liner hona chahiye. Liquid mein I would recommend you guys to get this Master Ink Mascara by Maybelline. It's really good and it glides on really nicely on your eyes. Dusra, I would recommend you to get Inglot. It's thoda sa expensive hai, like 1500 ka hai, but it's worth buying as well. Like jis tarah se aankhon pe lagta hai, koi aur gel liner nahi lagta. It's so smooth and soft and it's rich black. Move on to brow products. Brow products mein you should have a brow pomade, also you have a pencil. Aap log ek powder form mein bhi use kar sakte ho. To main aapko recommend karungi aap log pencil le lo, Luscious ki definer pencil. You should have this in your kit. Also you can get a Focular ka brow pomade aata hai in the shade chocolate. I use this and I love it personally. It's very reasonable as well. I think it's around 700 to 800 rupees. Luscious ki brow luxe tool kit. It's also very good for your eyebrows. You can also add that in your kit. ग्लिटर्स पे आते हैं. वेल आई वुड रिकमेंड कि आप ज़्यादा पैसे ना लगाओ ग्लिटर्स पे. लाइक आई वुड रिकमेंड यू टू वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स. ये हैंग फैंग के ग्लिटर्स आते हैं. 6 का सेट आता है, वो 6 का सेट आप ले लो. मैं तो प्रेफर करती हूँ कि इस तरह के आप ले लो शेडो स्टिक्स ताकि ईजिली आप लगा लो. लेकिन अगर आपको लूज ग्लिटर्स में चाहिए तो ग्लैमरस फेस के बहुत अच्छे हैं, निक्स कॉस्मेटिक्स के बहुत अच्छे हैं. तो ग्लिटर्स सारे अच्छे होते हैं. तो आई वुड रिकमेंड कि आप कोई भी ले लो वट एवर यू फील ईजी विथ. लिपस्टिक्स की बात करें तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसी लिपस्टिक्स लो जो अफोर्डेबल भी हों. आपको मैं बुलेट लिपस्टिक्स में रिकमेंड करूँगी कि आप मेडोरा की लिपस्टिक्स लो. दीज आर दी बेस्ट वन आउट देयर. लाइक इनकी सिर्फ ₹130 की लिपस्टिक है. इस तरह की आप 5-6 उठा लो डिफरेंट कलर्स में. यू कैन हैव दैम इन योर ब्राइडल किट. उसके बाद एंटाइस कॉस्मेटिक्स का आता है एक पूरा पैक ऑफ ₹2500 या 2700. उसमें 6 कलर्स की होती हैं डाइस कॉस्मेटिक्स की लिपस्टिक्स. तो यू नो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग उनका वो वाला पैक ले लो. उसमें सब मिल जाएंगी. उसके अलावा लिपस्टिक्स में वट एवर योर इजी विथ. लिक्विड लिपस्टिक्स में आपके पास ऑप्शन है, ओफ्रा है, कलर पॉप है. यू नो वट एवर यू आर कम्फर्टेबल विथ आप ले लो.
Now coming to the lashes, we have three options. Lashes mein I would recommend ki aap log sabse pehle meri wali lashes zarur apni bridal kit mein rakho. Ash Beauty lashes hain. Mere paas 5 styles hain is waqt, to ye wala fancy hai. If you are a bride, you should use this. You know, aap log apne looks mein use kar sakte ho. These are very very convenient and also very affordable. फिर आती हैं एलिजम ब्यूटी की लैशेज, दीज आर ऑल्सो वेरी गुड. सो आई रिकमेंड कि आप लोग इनको भी चेकआउट कर लो. इसका डिस्काउंट कोड मेरे पास है, यू विल गेट यू नो सम डिस्काउंट ऑफ यू यूज माई कोड. फिर ये आती हैं ब्यूटीफाई मैमना की, जो मैंने अभी लगाई हुई है. दिस इज इन द शेड, आई मीन शेड कह रही हूँ, स्टाइल बिलेजा. तो आप लोग इन तीनों ब्रांड्स में से कोई भी ले लो, वट एवर you want तो आप लोग ले सकते हो. Moving on to eye shade, so eye shadow kits में I would recommend के दो palettes आप ले लो जो आपके पास होनी चाहिए being a bride. पहली तो है glamorous face की आती है मखमली matte touch palette. I would recommend कि हर bride के पास होनी चाहिए because this is so affordable, like it's for only 1500 to 1600 rupees. You can get this, it has all the shades. अगर आपके पास pocket friendly, अगर आप लोगों का budget कम है, then you can go for this. एक और palette which you should have, which I think every Pakistani girl should have, bride भी चलो, which is this Jaclyn Hill की Morphe palette. आई थिंक ये सबके पास होनी चाहिए और ये परफेक्ट है ब्राइडल किट में ऐड करने के लिए. लेकिन यू कैन सी इसमें सारे वो कलर्स हैं जो हमारी देसी स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन एज वेल. काजल में आई वुड रिकमेंड यू टू गेट टू फेवरेट काजल्स हैं मेरे, जो दोनों आप अपनी ब्राइडल किट में जरूर रखना. स्वीटर सा काजल पेंसिल आता है, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी इंटेंस ब्लैक. तो ये है भी आई थिंक 350 का, इट्स वेरी वेरी गुड. सेकेंड ऑप्शन आई हैव इज दिस मास्टर ड्रामा, देखो कितना छोटा हो गया है मेबेलिन का. दिस इज लाइक सुपर ब्लैक और आंखों में लग के लाइक सुपर सुपर ब्लैक आपका काजल लग जाता है. तो आई वुड रिकमेंड, आई इक्वली लव बोथ ऑफ देम. इनमें से कोई भी आप एक ले लो या दोनों ले लो, वट एवर यू फील कम्फर्टेबल. लेट्स टॉक अबाउट टूल्स, ब्यूटी टूल्स जो होते हैं, ब्रशेज या ब्यूटी ब्लेंडर्स. ब्यूटी ब्लेंडर्स में आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ब्यूटीफाई है आमना के ब्लेंडर्स लो. दे आर वेरी वेरी रीजनेबल. आई थिंक एक की प्राइस 1200 है, बट दे आर वर्थ बाइंग गाइस. लाइक जस्ट लुक एट देम, आई थिंक ब्यूटी ब्लेंडर के बिल्कुल डूब्स हैं, ब्यूटी ब्लेंडर्स जैसे हैं ये बिल्कुल. तो मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग ये वाला लो, इस तरह का सेट ले लो या फिर आप लोग वैसे बाय कर लो. दे आर वेरी वेरी गुड. ब्रशेज मेरे पास अभी सब कुछ इधर उधर हुए हुए हैं, लेकिन मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि ब्रशेज में आई वुड रिकमेंड कि आप ब्यूटीफाई आमना का ब्रश सेट आता है वो ले लो. सेकेंड ऑप्शन है बी एच कॉस्मेटिक्स के ब्रश सेट्स आते हैं, वो बहुत रीजनेबल हैं, वो ले लो. ब्यूटीफाई आमना और बी एच कॉस्मेटिक्स की प्राइस मिलती जुलती है, लाइक 3000 से 4000 के बीच में इनकी प्राइजेस हैं. ब्रशेज में वी हैव लाइक थ्री ब्रांड्स, Morphe, बी एच कॉस्मेटिक्स, ब्यूटीफाई आमना. आपका जो दिल करता है आप लो. मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप ब्यूटीफाई आमना या बी एच कॉस्मेटिक्स के ब्रश ले लो, दे आर वेरी वेरी गुड. सो गाइस दैट वाज ऑल, एंड दिस इज द स्टफ व्हिच आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी ब्राइडल किट में रखो. ये सब कुछ आपकी किट में होना चाहिए, ये सब कुछ आप लो. और मैं पर्सनली अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता के आप लोगों को सारे प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रही हूँ. और यस, दिस इज द स्टफ व्हिच आई वुड पुट पर्सनली इन माय ब्राइडल किट. और जो मैं अपनी ब्राइडल किट शेयर कर रही हूँ, मतलब मेरी जब शादी होगी तो मैं यही सब कुछ अपने साथ लेके जाऊंगी किट में. वही चीज मैं आपको भी रिकमेंड कर रही हूँ टू माई लवली गर्ल्स आउट देयर, कि आप लोग भी ये चीजें जरूर परचेज करो. बिकॉज मैं आपको कभी भी कोई गलत चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगी. आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू समथिंग विच आई पर्सनली लव एंड पर्सनली हैव ट्राइड. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ भी आप लोगों को पूछना है, कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएं. आई विल गेट बैक टू यू वेरी सून. सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. जिसके लिए अपनी फ्रेंड्स को शेयर करें, जिनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सके, जिनकी शादियां आ रही हैं. सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्राइड टू बीज. आई सी यू गाइज विद माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.